गुड मॉर्निंग एवरीवन, जोर के बोलो। अबे जय माता दी बोलना था, जोर के बोलो। ये बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे, कल अपन ने यहां तक कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी थी एक बार अपन उसको बैठ के अगेन रिवाइज कर लेते, बोर मत हो जाइएगा, जरूरी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बेसिकली चांस, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अब इसको इवेंट बोलो, आउटकम बोलो, कुछ भी बोलो, चलता, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इवेंट, अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहता? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या रहता? कुछ चीज पहली बार कर रहे हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी चीज जो आप कर रहे हो जिसके आउटकम्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके आउटकम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी, सुन लो, अब धीरे 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 ना मैं आपको एग्जाम की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट या जिसका आउटकम हर बार डिफरेंट होता है या आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे डाइस फेंका, पहली बार चार आया, तो दूसरी बार आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? दूसरी बार प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना आएगा? नहीं, वापस एक से छह आएगा, बराबर। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम हर बार आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, विथ सर्टेनिटी। सर मैं तो तुक्के मारता हूं, मेरा हर बार छह आता। सांप सीढ़ी के अंदर बचपन में खेलते सांप सीढ़ी, इसके ज्यादा छह आते, ये छह है, ठीक है। तो कोई रहता ना जिसके बहुत ज्यादा बार छह आ जाते, छे छे बारह, रुक जाओ, ठंड बाप आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें रहती है जो बचपन में अपन करते थे, पर वो प्रोबेबिलिटी में सच नहीं होती। किसी के अगर दो बार आ रहे छे, एक बार छे आया, दूसरी बार छे आया, तीन बार छे आ गए, इसका मतलब क्या चौथे बार छे ही आएगा? आ सकता है, पर अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको सर्टेनिटी के साथ। जो तुक्के लगाते वो तुक्के मार रहे, क्लियर है, ओके। फिर अपन ने देखा था सेट थियरी के फॉर्मूले इसमें थे, ठीक है। चलो ऑड्स देखे थे अपन ने, इन फेवर देखा था। अगर ऑड्स इन फेवर ए इज टू बी के रेशियो में रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी वो इवेंट की? ए अपॉन ए प्लस बी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती सर? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब ये ए क्या है? इन फेवर लिखा है तो फेवरेबल, और बी क्या है? अगेंस्ट। तो नीचे क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल मतलब फेवरेबल प्लस अगेंस्ट वाली बात, इसलिए उसको वैसे लिखते हैं। ऑड्स अगेंस्ट रहा तो, क्या होगा? ऑड्स अगेंस्ट का रेशियो दे रखा है एक्स इज टू वाई, तो ये एक्स क्या हो गया? अगेंस्ट। वाई क्या हो गया? फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी इवेंट की? फेवरेबल अपॉन टोटल से। फेवरेबल कितना है? वाई अपॉन टोटल कितना है? एक्स प्लस वाई। गॉट इट। उसके बाद हमने सेट थ्योरी की चीजें देखी थी, कुछ खास तो अलग से देखा नहीं था प्रोबेबिलिटी में कुछ। अब आपको पता है क्या, एक्चुअली पहले तीन लेक्चर में ऐसा कुछ खास देखा ही नहीं अपन ने, सिर्फ खास टाइप के क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बता रहा हूं, आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, चार फॉर्मूले गिनके, चार। उसके लिए इतना तामझाम कर रखा है, उसके लिए तुमको 15 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक दिया, 10 मिनट तुमसे बातें करी, काय को माइंडसेट बन जाए। चार क्वेश्चन है, चार फॉर्मूले बस, और ये चार फॉर्मूले ना 4000 करोड़ टाइप के क्वेश्चन लाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है प्रोबेबिलिटी में, हर बार बच्चा जब क्वेश्चन करता ना कुछ नया ही दिखता उसको। मतलब मैंने आपको 400 क्वेश्चंस करवा दिए लेट्स से, ठीक है, पर मैं 401वां क्वेश्चन पेपर में डाल सकता। अब आपने 400 करने के बाद अलग ही क्वेश्चन आ रहा है और आपको आदत ही नहीं है खुद से करने की, तो फिर क्या होता है पता है क्या? मुझे तो प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने जो करा है वैसा दिखता नहीं मेरे को पेपर में। फिर बच्चे के दिमाग में आ जाता मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आता, समझे। तो वो अपने को धीरे 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 वो आदत लगानी है कि भैया क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में है, ठीक है। वो जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था 53 संडेज वाला, ठीक है, कल एक पापी बच्चा मेरे को मैसेज डालता, सर मैंने पूरा सीए का मॉड्यूल छान मारा, मटेरियल मेरे को कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो सीएमए के मॉड्यूल से था,
सिंपल। अरे अपने को परम्यूटेशन, अपने को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन चाहिए। मैं जो अपनी क्वेश्चन बनाएंगे उसके अंदर आरडी शर्मा सर की बुक के क्वेश्चन डाले हुए चार, मेरे को अच्छे लगे मैंने डाले। अब बच्चे को कैसे लाने हैं वो मेरा काम है, ठीक है। तो मैं कभी ऐसे लिमिटेड नहीं रहता कि भैया मेरे को सीए का ही चाहिए या सीएस का ही चाहिए या सीएमए का ही चाहिए। और ये मैंने यूजुअली देखा है कि जो सिस्टर्स है तीनों बहने सीए सीए सीएमए, ये लोग क्या करते मालूम है क्या, एक मॉड्यूल का एक के मटेरियल का क्वेश्चन दूसरे के इसमें आएगा, दूसरे के इसका पहले के इसमें आएगा। मैंने ऐसे कितने बार देख रखा है कि सीएमए के एग्जाम में सीए का क्वेश्चन एज इट इज उठा के डाल दिया, एज इट इज, फिगर भी चेंज करे बिना। बच्चे को लगता कि मेरी बुक से आया है, पर वो मेरी बुक में इसलिए था क्योंकि वो सीए की मॉड्यूल में था। अभी वो 53 संडेज वाला क्वेश्चन मैंने उड़ाल के डाल दिया सीए में से, आपको पेपर में आ गया, आप क्या बोलोगे, ओ माय गॉड मॉड्यूल में कहीं नहीं था पर सर के बुक में था, सर ने कहा से लाया, पैदा करा मैंने नहीं उधर। तो अभी ऐसा काम चल रहा है कि भैया तीनों जगह से मिलके क्वेश्चन बैंक बना दी जाए, तो पर उसको टाइम लगता बहुत। ये पढ़ने के बाद अपन ने सेट थियरी पढ़ा था, ठीक है। सेट थियरी में क्या था, कुछ नहीं सर, यूनियन का फॉर्मूला था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी लगा दो, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे अपन ने, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे ए यूनियन बी यूनियन सी का, क्या था, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दो थे, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला था, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये क्या है, ये मेरे लैंग्वेज में बोलो, जो ए में है पर बी में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ कुछ लोग हैं ना इसको अलग से ही कुछ तो बोलते हैं भैया। अरे ए अपने आप पूरा लिखा है ना, मतलब ए में होना, ये देखो पहले तो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन, ठीक है ना, मतलब कॉमन है जो ए में भी है बी में भी है, पर यहां पे क्या लिखा है, बी बी नहीं लिखा है, बी डैश लिखा है, बी डैश मतलब जो बी में नहीं है। तो इसको ऐसा पढ़ो ना सीधा, जो ए में है एंड बी में नहीं है, जो ए में है और बी में नहीं है उसको क्या बोलेंगे, जो सिर्फ ए में है, हाँ कि ना। कल मैंने तुमको क्या बताया था एग्जांपल, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसका मतलब क्या है, वो तुमसे प्यार कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से प्यार नहीं करती, ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट ए में है इसका मतलब क्या है, वो बी में भी हो सकता है। यहां पे क्या लिखा है, मैं तुमसे प्यार करती हूं एंड मैं बी से प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मतलब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, ये केस हो गया ओनली ए का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें तो सारे के सारे ए आ गए, बट उसमें से माइनस कर दो कौन से, कॉमन वाले, कॉमन माइनस कर दो ना, देखो ए से प्यार करने वाले सारे लोग यहां पे आ गए, ए वाले लोग सारे यहां आ गए, अब जो लोग दो जगह मुंह मार रहे हैं उनको भी माइनस कर दो, बचे हुए लोग सिर्फ अपने वाले हैं, कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला अपन ने ऐसे बनाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कैसा नींद आई कल रात में, नींद आ गई, ठीक है, पूछना जरूरी है, पास नहीं हुआ एंटर में नहीं आया मेरा नुकसान ना 20,000 का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या था, बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब क्या है, ओनली बी, ये कहीं लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पास में, ये है बुक में लिखा है ना अपनी लैंग्वेज में, नहीं है तो गया, डूब गई आपकी लंका। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलो बी इंटरसेक्शन ए बोलो सेम बात है ना, ठीक, ओके। अब सुनो, अब लिखो, मस्त लिखना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस लिखे जाना है, लिखे जाना है, आज लिखे ही जाना है, ठीक है। आज अगर अपना गलती से पहला लेक्चर बढ़िया हो गया,
मजेदार हो गया, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं, तो फिर आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन निपटा देते। और यकीन मानिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक बार निकला तुमको दिल से इतना अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ठीक है, लिखो डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इफ इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट, इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट ए, वन इवेंट ए इज अफेक्टेड बाय, इफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट ए इज अफेक्टेड बाय ऑकरेंस ऑफ अनादर इवेंट बी, देन ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट क्या रहते, ए का ऑकरेंस बी के ऑकरेंस से अफेक्टेड है तो ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है, और अगर अफेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस है इंडिपेंडेंट इवेंट है। कोई ऐसा पापी है जो सर इंडिपेंडेंट की अलग से डेफिनेशन लिखवाओ, तो मैं बताता हूं, ये डिपेंडेंट लिखा है ना उसके आगे आई एन लिखना इन, ठीक है, जो डायलॉग लिखवा है सेम कॉपी पेस्ट करना, जहां पे इज अफेक्टेड लिखा है ना वहां पे ऐसा एरो करके लिख देना नॉट, और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट कर देना। डिपेंडेंट मतलब क्या है, देखो एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ रहा है तो भैया ये डिपेंडेंट इवेंट है। जैसे मेरा दाटनान बच्चे क्लास में आना, विजय दीनानाथ चौहान, हाँ, नाम विजय, बाप का नाम दीनानाथ, पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। आज ही देखा मैंने वो गाना, कौन सा, देवाश्री गणेशा, मेरी बच्ची देखती ना उसको फेवरेट है वो गाना। हाँ, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से अगर डिपेंडेंट है, अगर पहला इवेंट हुआ तो दूसरे इवेंट कुछ तो है उसका, कुछ भी असर है, अफेक्ट हो रहा है उससे, तो वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कॉइन टॉस करा, ठीक है, पहली बार कॉइन टॉस करा, हेड आया, दूसरी बार कॉइन टॉस करा, दूसरी बार कॉइन हवा में है, बताओ मेरे को अब दूसरी बार क्या आएगा रिजल्ट, इसका पहली बार क्या आया उससे कोई संबंध है क्या, नहीं ना, पहले हेड आओ या टेल आओ, दूसरी बार हेड या टेल आ सकता, आप बोल सकते क्या पहली बार अगर हेड आया तो दूसरी बार टेल आएगा, आप बोल सकते हैं पहली बार हेड आया तो दूसरी बार टेल आएगा, नहीं। तो यहां पे कॉइन को कॉइन टॉस करना, कॉइन टॉस करना दो बार, अगर दो अलग अलग बार कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट है, पहली बार से दूसरी बार में कुछ लेना देना नहीं है, समझेगा बात को, ये कौन सा इवेंट हो गया इंडिपेंडेंट। अपन बात कर रहे हैं डिपेंडेंट इवेंट की, अगर इवेंट्स डिपेंडेंट है तो अपने को जरूरत पड़ती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जोर के। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट इवेंट लिखा ना, उसके बाद में एक हेडिंग डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ाने बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती थी। ठीक है, हाँ, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लिखते नहीं है, पहले समझते हैं, जो जो लिखना है मैं बता दूंगा आपको, पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉर्मल इवेंट्स में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वगैरह, ऐसे निकालते ना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बी है, सी है। अब ए को बी से कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना,
वो अलग विषय है। यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट नीचे बी लिखा है, ठीक है। कुछ झंडूबाम लोग इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी लिखते, जो सीए बनने के बाद मैथ्स पढ़ाना चालू करते वो ऐसे लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और उसको ए बाई बी बोलते। बाप रे, किसी एमएससी मैथ्स वाले को बोल दो हंस देगा तुम पे जोर के। ये कैसा, इसको क्या बोलना पड़ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कोई घाई नहीं है, बहुत टाइम अपने पास, आराम आराम से लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ऑकर्ड ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब ये पूछ क्या रहे, बोले बताइए इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका है। इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। हाँ एक मिनट ना, तुम लोग रिकॉर्डेड वाला बच्चा अगर कोई हुशार, डेढ़ शहाना ढाई शहाना होगा और 1.5 पे देख रहा होगा तो वो वापस वन पे आ जा। सर बहुत स्लो लग रहा है आज, स्लो ही है ठीक है, नहीं तो बाद में फास्ट हो जाएगा तिल्ली, ठीक है। फिर बोलेगा सर तुमने प्रोबेबिलिटी बहुत फास्ट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उल्टा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यहां पे अपन क्या निकाल रहे, इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे अपन क्या निकाल रहे, इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कब, बी होने के बाद, मतलब पहले क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहां क्या निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। और व्हाट इफ ए हो ही नहीं सकता, ये देखो ना यहां पे निकाल रहे ना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। मैं लिखने को टाइम देता हूं, ठीक है, आज मैं बहुत जोर के लिखने को टाइम दूंगा, आप चिंता मत करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है आपको, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी सच दैट इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है। और अगर मैं बोल दूं कि इवेंट ए इंपॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता, चलो ठीक है छोड़ो, इसको छोटा सा एग्जांपल लेते। अगर तुम देखो क्या ये लक्ष्मी एक लड़के को बोली, ठीक है सॉरी है कॉन्फिडेंशियल था पर ठीक है बताना पड़ेगा। लक्ष्मी एक लड़के को बोली, अगर तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाएगा तो मैं तुझसे शादी करूंगी। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या है, हाँ अबे झेंडू और रुको, इवेंट ए क्या है, अगर तू चांद तारे तोड़ लाएगा। इवेंट बी क्या है, मैं तुझसे शादी करूंगी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इवेंट ए क्या था, चांद तारे तोड़ना, ये इंपॉसिबल हो गया, शादी करेंगी क्या कभी, समझ रहे हो। तो अगर इवेंट ए, ये जो नीचे वाला है ना, ये अगर इंपॉसिबल हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, बात ही खत्म, बात ही खत्म, समझ रहे हो। हाँ चलो अब लिखो, अपने बुक में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, और इसके सामने लिखना, पहले नाम लिख लेते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। आपको भी बस नाम लिखने हैं इसके। दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड।
ठीक है सर, फॉर्मूला बता दो सर। मैंने बोला रुक तो जाओ, बहुत सोवा फॉर्मूला है, आप थैंक यू बोलोगे मेरे को आप। हाँ थैंक यू सर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे है, ऊपर पान की दुकान, नीचे गोरी का मकान, नहीं नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ये बहुत पेटेंट एग्जाम्पल है अपना, तुम आगे देखना ठीक है। रुक रहे झंडू मामो, ठीक है। दोनों ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ऊपर भी नीचे भी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर भी, और दोनों फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बीच रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय समथिंग है, बी बाय ए का क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय समथिंग, और नीचे क्या रहेगा मालूम है क्या, पे नीचे रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे वाले का नीचे, यहां पे है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बन गया फॉर्मूला, बस हो गया खत्म विषय है, क्लोज टॉपिक इज ओवर। हाँ ये एक फॉर्मूला था, यहां पे कंडीशन क्या रहेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यहां पे रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वो जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि जो कंडीशन है चांद तारे तोड़ने के बाद शादी करूंगी, अगर चांद तारे तोड़ के ही तोड़े जा सकते हैं क्या, नहीं शादी असंभव है, रहो जिंदगी भर कुंवारी, लक्ष्मी चलेगा क्या। हाँ ऐसी बोलते लोग 18-19 साल में, 24 साल के हो गए बोले मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। टू डाइसेस आर रोल्ड, टू डाइसेस आर रोल्ड। अच्छा सर इसका है ना थोड़ा सा, हमको थोड़ा सा वो बता दो, क्या कहते हैं उसको, लॉजिक बता दो ना प्लीज बेटा, अभी तुम्हारे औकात के बाहर है, कल बताऊंगा ठीक है। नहीं मतलब अभी तूने नहीं पूछा, एक आधा किड़क रहता सर लॉजिक, और फेस टू फेस में ये प्रॉब्लम नहीं होती, यूजुअली ये गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम यहां पे हो, तुम इतने 300 करोड़ सालों से मेरे को देख रहे हो रोज, गूगल ड्राइव वाला कभी देखा नहीं है, उसको मालूम नहीं मास्टर दिखता कैसे। तो अलग ही सवाल रहते हैं उनके, ये भैया इधर कार्यक्रम हो गया ठीक है। अब लिखो, टू डाइसेस आर रोल्ड इफ सम ऑफ द नंबर्स, दो डाइस फेंक रहे अपन, इफ सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड इज 4, सम कितना है 4, सम ऑफ द नंबर, सम मतलब SUM वाला सम, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड इज 4, मतलब एक पे एक आया होगा, दूसरे पे 3 आया होगा, एक पे 2 आया होगा, दूसरे पे भी 2 ही आया होगा ठीक है, ऐसा हो सकता है ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेंड ऑन बोथ द डाइसेस आर इवन, ऑन बोथ द डाइसेस आर इवन, इतना सोपा आंसर है ना इसका, ये कंडीशनल है। हाँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अब इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी समझा, देखो मैं तुमको लास्ट में बता रहा हूं, तुम बोलोगे ये चूल्हे में क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह, हम कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि भैया कि अगर सम, आप 2 डाइसेस फेंक रहे हो ठीक है, उसके अंदर जो सम आ रखा है वो है 4, ये पहली चीज दे रखी है, दूसरी चीज पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दोनों डाइस, बोथ डाइस पर इवन नंबर आया है, दोनों डाइस पर इवन नंबर आया है,
अबे झंडू दोनों पे इवन नंबर आया ना। अब देखो दोनों पे इवन नंबर आया है और सम कितना है? चार। अब सम चार हो कब सकता है बताइए? वन थ्री हो या टू टू हो या फिर थ्री वन हो, बराबर है। सम चार कब हो सकता? जब ये है और उसमें से दोनों भी इवन आने की संभावना कितनी है? ये बराबर ना, मतलब अपने को सम चार भी चाहिए एंड दोनों डाइसेस पे इवन चाहिए। वन फेवरेबल इवेंट वन है, टोटल कितना है? 36। तीन कैसे बोला? नालायक। अरे टोटल आउटकम्स कितने हैं? डाइस फेंके दो तो 36 ये आंसर है भैया अपना। ये कॉमन सेंस से आंसर आया। अब मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बताऊंगा तुमको। अब तुम्हारे हाथ में हमेशा चॉइस रहेंगी कॉमन सेंस लगाना कि मेथड, ठीक है? देखो पहले सुन लो, समझा क्या ये क्वेश्चन? समझा क्या कि दो डायस आपने फेंके, बोलते हैं दोनों डायस पे सम आए हैं चार है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डायस पे जो नंबर्स आए हुए वो इवन है, तो पहला इवेंट क्या हो गया? इवेंट ए हो गया अपना, सम चार आना, हाँ कि ना? सम चार कितने तरीके में आ सकता है? एक दो तीन, हाँ कि ना? तो सम चार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/36। अरे दो डाइस फेंके तो छह ऑप्शंस है, स्क्वायर 36 का सैंपल स्पेस हो जाएगा ना। किसी को आपत्ति इसमें? 36 का सैंपल स्पेस होता उसमें, जिसको होंगी लिख लेना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66 होता है ना। अरे होता है ना, दोनों डायस पे छह आ रहे हैं। 1 6 1 6 2 6 3, पहले डायस पे छह आया, दूसरे पे एक आया, वहां से होता तो वो टोटल 36 होते हैं, ठीक है? अब एक इवेंट क्या है इसमें? सम फोर होना, ये एक इवेंट है। और दूसरा इवेंट क्या है? इवन होना। अब ये क्वेश्चन कैसा है मालूम है आपको? एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स सच दैट देयर सम इज फोर। अपनी लैंग्वेज में क्या चाहिए अपने को? दो इवन नंबर चाहिए डाइस पे। दो डाइसेस फेंके आपने, मैंने वो लिखा नहीं, दो डाइस रोल करे। वेन टू डाइसेस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स वेन देयर सम इज फोर। तो अपने को प्रोबेबिलिटी दो इवन नंबर मिलने की निकालना है क्या? नहीं, अपने को दो इवन नंबर चाहिए एंड उनकी सम भी फोर चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन रहना ये बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट उनका सम कितना है? फोर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए करा मैंने, बी काई को बोला इवन नंबर्स रहेंगे दोनों डायस पे, अपने क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स ऑन द डायस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स ऑन द डायस सच दैट देयर सम इज फोर। समझोगी? अब देखो तुम ये मत सोचो कि भैया कॉमन तरीके से सर सीधा आ गया 1/36 तो छोड़ दो इसको, गोली मारो, फिर तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
हाँ चलो हो गया क्या? आ गया आंसर आपका इसका? आया क्या? हाँ देखो ये समझा गया आपको क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे, क्योंकि यहां पे दो इवेंट्स हो रहे हैं। पहला इवेंट क्या है? सम फोर होना, और अगर सम फोर है उसके बाद में बोले बताओ कि दोनों डाइस पे इवन नंबर्स भी होना, बराबर। समझो गई? समझा क्या? ठीक है चलो बताइए अब कैसे आएगा। ओ मेरी गलती हो गई थी, ठीक है मेरी कुछ नहीं इसमें नहीं। ये सॉल्व करो आप, सॉल्व करना है आपको। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कैसे निकालते? अभी जिसने कल का वापस, अच्छा सुनो एक रिक्वेस्ट और है, और अगले 3 दिन चलेगा प्रोबेबिलिटी बस, ठीक है? मतलब ये लेक्चर के बाद और 3 लेक्चर्स होंगे, तब तक अपने बाकी काम धंधे छोड़ के जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करा करो, ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ये इसका आंसर 1/3 आएगा, ठीक है? इसका आंसर 1/3 आएगा, वो मैंने गलती से 1/36 बोल दिया था, क्योंकि ये 3 टोटल आउटकम्स है। हाँ माफ करना, माफ करिए, ठीक फॉर्म फॉर्म में। ये एक क्वेश्चन कर लो, इससे क्या होता है इवेंट समझ में आएगा, बाकी क्वेश्चन जो अपन फालतू के क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकली वो तो सॉल्व करनी है, ठीक है? आज तो भूख तो मेरे को भी लगी है आज, पता नहीं क्यों। तो तब तो ब्रेक दिया था, तब क्यों नहीं गई तू? हाँ चलो आ जाओ भैया अपनी इनफाइनाइट पे। देखो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो अभी बच्चों बच्चावाड़ी ध्यान से, इधर कम बैक। आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो इवेंट्स दिए, पहला इवेंट क्या बोल रहा था? सम शुड बी इक्वल्स टू 4, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी? इवन होना दोनों डाइस पे, दोनों डाइस पे इवन होना। किसी को आपत्ति इसमें? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया था सबको? अरे हाँ ना। अब क्या मेरे को बताइए, क्या मेरे को ऐसा पूछा है कि भैया बताइए कि सम 4 कितने तरीके में आ सकती है? क्या आपको सिर्फ सम 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? क्या आपको सिर्फ सम 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालनी थी। क्या इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको? नहीं, इवन नंबर जब सम 4 है, इवन नंबर जब सम 4 है, समझे क्या? तो टोटल कितने इवन नंबर्स हो सकते हैं बताइए? सम 4 है तो 2 2 यही हो सकता है, 2 2 ही हो सकता है, कुछ और हो सकता है? सम 4 कितने तरीके में हो सकती है? 1,3, 2,2 और 3,1। टोटल सैंपल स्पेस कितने की है? सैंपल स्पेस कितने की है? 36 की। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 3,36, 3/36। और इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब सम 4 रहेगा? पूरे 36 में से सिर्फ एक नंबर ऐसा है, 36 में से सिर्फ एक नंबर ऐसा है कि सम 4 है एंड दोनों नंबर्स इवन है, जो कि है ये अपना 2,2, बराबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी का ये बी मान लेता हूं, इसको इसको ए मान लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर सच दैट देयर सम इज 4, ऐसा ही क्वेश्चन है हाँ कि ना? तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे वाला, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है? क्या 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 करो बताओ मेरे को, करके बताओ, फालतू बातें मत करो। अब इसको सबसे सिंपल तरीके में ऐसे ही कर सकते हैं। देखो ये तीन नंबर है जिनका सम चार है, और उसमें से एक नंबर है जिसपे दोनों के दोनों इवन नंबर्स है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1/3 आ जाएगा। इवन नंबर्स तुम करो तुम्हारा, मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूं। सारी सारी रात जगा है मुझको तेरी बातें, तेरे सारे की बने रे दिल की सौगातें, तू घर आजा पर दे करो ना तुम ये तेरी मेरी। देखो इधर मेरे पास आंसर छापे हुए हैं, तुम पता होगा तो ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 400 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा 401 नंबर का, तो अपने को लगानी है आदत खुद से दिमाग लगाने की, ठीक है। यहां पे सर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/36, एक वो जो 1/3 वाला है वो तो गड़बड़ हो गई थी, अब बताओ आगे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगे दोनों इवन। हाँ बोल, एक लड़की पढ़ रही है लगता, सिर्फ एक लड़की पढ़ रही है, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की सौगाते ओ घर आजा परदेश। हाँ तेरा, मैं बोल दिया ना एक लड़की पढ़ रही है, बाकी लोग को पढ़ने दे कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हाँ उत्कर्ष कितना आंसर है ये इससे निकाला ना तूने ऊपर से, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया ये बताओ, मैं जानना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी कितना आया। कितनी मेरी एक जिंदगी सर, जो अपन ने 1/36 निकाला ना वो था कि ऐसे इवन नंबर्स, ऐसा वो दो इवेंट्स थे जिसमें इवन नंबर है एंड सम भी फोर है, तो अपन ने जो 1/36 निकाला था ना दैट वाज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, हा कि ना, उसको तुमको मैंने पी ऑफ बी के सामने, बी इवेंट है वो, तो ये कितना हो जाएगा 1/36 हो गया। कैसे हुआ 1/36 समझा क्या पक्का, कैसे समझा? देखो सर एक्चुअल में ये क्वेश्चन तुमको इसलिए और थोड़ा तकलीफ दे रहा है क्योंकि सिंपल है यार, ये तीन चीजें हैं जिनकी सम चार है, उसमें से इवन पूछा है तो एक है, तो 1/3 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बट मैं ये नॉर्मल क्वेश्चन या डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में समझा रहा हूं, क्योंकि उसके बिना आपको कंपाउंड प्रोबेबिलिटी समझ ही नहीं सकता, वो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो भाई अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी, देखो ए लिख लिया अपन ने क्या, सम इज इक्वल टू 4, ये इवेंट ए हो गया, ठीक है। इवेंट बी क्या हो गया, दोनों इवन, ठीक है। अब अपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट दोनों के दोनों डाइसेस पे इवन नंबर रहे जब उनका सम 4 है, सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है अपने को, सम 4 रहना चाहिए, कितने केसेस है 3/36, इसका आंसर आ गया मेरा नीचे 3/36। ऊपर का ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ए क्या है, ए क्या है सम 4 होना, और बी क्या है दोनों इवन होना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब पूछ रहा हूं, हाँ ऐसे केसेस जब सम भी 4 है एंड दोनों नंबर्स इवन है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है 2-2 का जिसका सम भी 4 है और नंबर्स भी इवन है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का 1/36।
तो ये हो जाएगा 1/36 इंटू 36/3, कट गया 1/3 आंसर डायरेक्ट। ठीक है चलो अभी बहुत मजे लेने बाकी है तुम्हारे। मेरे सारे मेरे दिल की फरियाद। अब यही ये जो फॉर्मूला है ना अपन ने लिखे इसको ही घुमा घुमा के अलग अलग कर रखा है। ये जो अपन पढ़ी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को घुमा के कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बना रखा है। मैं आपको बताता हूं, देखो ये बुक में सब कुछ एक साथ नीचे नीचे दे रखा है क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हो जाती है बुक में। वो एक पब्लिकेशन है, रेफरेंस बुक बन जाता है, तो उसको थोड़ा तमीज से लिखना पड़ता है। ऐसा कहीं भी जहां मन में आया वहां डाल दिया तो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, है ना रे। क्यों लेट आया तू, कहां का? मेरी एक एनएससी बनी हुई है 2018 में जब मैंने पैसे डालना शुरू करा था ना पहली बार, मेरी एनएससी बनी हुई है। कब बनी हुई है? मार्च में। उसके आने वाले 2,20,000 रुपए और मां कसम मेरे को पोस्ट ऑफिस जाने का टाइम नहीं मिल रहा 2,20,000 के लिए, सोचो। अच्छा ओके ओके, नहीं अरे मैं तेरे डांट थोड़ी रहा हूं, मैं बस मेरी बता रहा हूं, अपना डेडिकेशन बता रहा हूं तुमको, ठीक है। और एनएससी में क्या होता है, वहां मेरे को ही जाके साइन करना पड़ेगा, बंदा नहीं जा सकता। अगर बंदा जा सकता तो अभी तक हो जाता था काम, पर मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए अटका ही है काम। दिशा कितने बार बोल दिया अरे जाके करके आ जाए भाई, एक बार एक साइन करना है तेरे को। मतलब साइन निकालने के लिए टाइम नहीं होना, ऐसा है काहे का बोना फेटता। अच्छा पास के लिए फिर जरूरी है भाई, फिर जरूरी है। हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हम भी बस से ही अप डाउन करते थे, तो हमारा ऐसा रहता था कि भैया जिसकी पास खत्म हुई, मैं चेतन सूरज तीन लोग जाते थे हम, पास निकालने भी तीनों साथ में आ रहे, ठीक है। तो जिसकी पास खत्म हुई वो गन्ने का जूस पिलाएगा बस स्टैंड पे, और कुरकुरे का पैकेट आता तब इतना बड़ा, जो अभी पैकेट आता 30-40 रुपए का, तब आता था 15 रुपए का, इतना बड़ा कुरकुरे का पैकेट 15 रुपए खाएगा। एक बस रहती थी 2:10 को, 2 बजे स्कूल छुट्टी थी। अब हमको पास निकालने जाना है तो 2:10 की बस मिलती नहीं थी क्योंकि स्कूल से बस स्टैंड जाओ पास निकलवाओ, तो 2:10 की बस छूट गई, अगली बस रहती 3:30 बजे, और वो 3:30 बजे वाली बस वर्धा से ही चालू होती थी, तो 2:30 बजे बस स्टैंड पे लग जाती थी। हम पास पास निकालते मस्त, तो बस में बैठते कुरकुरे खा रहे, हमारे लिए वही पार्टी रहती थी। गन्ने का जूस पिला और कुरकुरे खाओ, इतना बड़ा कुरकुरे होता था। हम छोटे ही थे, 7वीं 8वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चे, वो उसको पार्टी बोलते थे लोग तब। ओवर द टाइम तुमको पता है कितने इवॉल्व हो गए अपन, आप सोचो कभी ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें सोचते नहीं अपन, ओवर द टाइम कितने इवॉल्व हो गए। पहले किसी ने गन्ने का जूस पिला दिया, इट वॉज लाइक बाप रे भाई मम्मी उसने मेरे को गन्ने का जूस पिलाया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता था, आप अगर अलग नेक्स्ट लेवल के अमीर होंगे तो अलग बात है, भाई गन्ने का जूस पिला दिया आज, और ऐसा हक से बोलते थे। हमारा तो तीनों का फिक्स था ना, मतलब हम तीनों इतने भयंकर दोस्त थे कि लोग हमको बोलते तुम तीनों शायद शादी अभी साथ में करोगे। हर जगह तीन लोग जा रहे हैं, जहां जाना है तीन लोग जा रहे हैं, पास निकालने तीन लोग, मतलब एक को बुलाया टीचर ने तीनों आते थे, बोले तुम काहे को आए, बोले साथ में। तो ऐसा रहता था कि भैया फिक्स था कि जिसकी पास खत्म हुई वो जूस पिलाएगा और वही कुरकुरे खरीदेगा। 5-5 रुपए का जूस आता तब गन्ने का, 15-15 30 रुपए, और पास आती थी कुछ 180 रुपए की महीने भर की, खरांगना से वर्धा की। बहुत मजा करेगा। अच्छा, जाना चाहिए। पास है क्या अभी? पास चलती ना अभी? मेरे बहुत बार लगता है ऐसे, एक आध बार जाता हूँ बस में, पर बाद में लगता नहीं यार, ठीक है। कल ही मैं 2-व्हीलर से आया, घर पे गया, दिशा को बोला, बोला बाल में बहुत धूल लग रही है, तो मैं टोपी पहन गया था। तो बचपन जैसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अब ये जो अपन ने पढ़ा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इस प्यार को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस प्यार को क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपको दो चीजें बताई जाती है, एक बताई जाती है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर क्या करना पड़ता, कंपाउंड और जॉइंट प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम भी कहते हैं उसको, पर अपन उसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। बेस नाम का आदमी उसने निकाला था ये पागलपन, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलता है मालूम है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वाह, तीर मार दिया तूने नया बना के झंडू बाम, जरूरत ही नहीं है हमको इसके, जरूरत ही नहीं है इसकी। अबे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते बचपन में उसको, समझा? हाँ चलो अब एक बार चलते अपनी बुक की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम भी कहते हैं इसको, आपको कुछ खास काम का नहीं है। बेस नाम स्पेल कर दू, बी ए वाई एस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन अनदर इवेंट बी इन रिलेशन टू ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन बाय पी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, पी ए स्लैश बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और ये दोनों करवा दिए मैंने। हाँ, when two events occur together, साथ में probability between two independent events, दोनों events साथ में हो रहा है, दोनों event क्या हो रहे हैं साथ में हो रहे हैं, independent events है, ध्यान रखना है बात, ठीक है। Simultaneously दो events हो रहे हैं, probability of A intersection B is equals to, अभी क्या लिखवाया था मैंने आपको, probability of A intersection B क्या लिखवाया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, क्या बात कर रहे हो तुम, ये देखो ना लिखवाया था ना मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखवाया था ना मैंने। अब देख क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे वो बी स्लैश ए कहा गया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो डिपेंडेंट में लगता, समझे क्या बात को, b by a बदल गया, probability of b बन जाएगा, probability of b such that a has occurred, ये b बन जाएगा भैया, probability of a by b probability of a बन जाएगा, क्योंकि b के होना ना होना, तेरा होना क्या होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, तू अलग है मैं अलग हूं, तू अपने घर मैं अपने घर, हाँ कि ना। अरे इसके लिए तुमको डिपेंडेंट इवेंट की यार बताया था यार, यहाँ पे लिखा है यार इंडिपेंडेंट इवेंट, ऐसे मत करो यार, अभी वो तुम्हारे किया, ठीक है। ये एक फालतू का फॉर्मूला है, वेस्ट है ये फॉर्मूला, वेस्ट, ये फॉर्मूला वेस्ट है। देखो क्या बोलता है, गेम कर रहा है तुम्हारे साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे छोटा हो जा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। क्या तुमको याद है मैंने कल तुमको ऐसा बोला था कुछ, मैंने बोला था ये याद रख लो, अरे क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उसका आंसर 11/30 आया था शायद, मैंने बोला था ये याद रख लो, क्यों कल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, छोटे थे तुम, तू अब थोड़े से बड़े हो गए, तब तुमको मालूम ही नहीं था बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड क्या होता है, यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ए के ए को बी से होने से, क्यों, दोनों इंडिपेंडेंट है, समझा। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल क्या था, हाँ कॉइन टॉस, बराबर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ऐसे ही मैं इसको लिख दू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या करते, कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, खत्म, इसमें नया क्या है, वॉट इज न्यू इन इट, डैश 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 खेलो, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्ट खत्म, क्यों, अरे क्योंकि ए का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, काई को, क्योंकि ए को बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
समझे क्या? हाँ, तो ये फालतू की बातें लिखी हुई है, ये जबरदस्ती ज्ञान दिया मैंने। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट रहते, बी डैश और ए डैश भी इंडिपेंडेंट रहते, और बी और ए डैश भी इंडिपेंडेंट रहते, ठीक है। अरे सब ए बी पे डिपेंडेंट नहीं है तो ए का नहीं होना बी पे कैसे डिपेंडेंट हो सकता है, बराबर। यहां लिख दो, ये काम करो, काट दो, कभी काम नहीं आएगा तुमको। हाँ अगला देखो भैया, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। वाह 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 वाह, तालियां बजाने का मन हो रहा है मेरा। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बराबर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं आपको पूछता हूं, मेरे को बताइए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा। दो बनेंगे दो, दो बनेंगे दो, दो बनेंगे दो, दो में से हमारे कौन सा काम का है, जवाब दे दो बढ़िया सा। दो में से हमारे कौन सा काम का है ना, पूछा तो ए इंटरसेक्शन बी है। मैं बताता हूं, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट ओ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, ठीक है। अपने कौन सा काम का है। दीदी रेवती, तू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगी बता जल्दी से, क्यों ऐसे डायरेक्ट बोल दिया मैंने, नीचे वाला ऊपर वाला बिना सोचे समझे, भगवान ने मुंह दिया कुछ भी बोल देने का। तो अच्छा जवाब दो यार, मतलब तुम इतने फालतू के बोट्टे हो ना, तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा। नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ बच्चा बोल। तू मेरी दोस्त है, दुश्मन नालायक हो, पास नहीं होंगे तुम ऐसे। अबे सर कौन सा फॉर्मूला, दोनों एक ही फॉर्मूले है, फिर लिखना के यूज कौन सा करना है। अरे जिसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, अगर ए की प्रोबेबिलिटी दी है तो ये वाला यूज करेंगे, बी की दी है तो ये वाला यूज करेंगे। किसने बोला, किसने, लक्ष्मी ने, हाँ वही वो अभी से ना वही, अरे तो वही तो क्वेश्चन था सर, इसमें क्या था इतना, नहीं इसमें इतना ही था, कई को वहां पे टाइम पे कंफ्यूजन होती है इसलिए बता दिया मैंने मेरा। देखो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 50% लोग बोलेंगे ये बताने की क्या जरूरत थी, ये तो हम खुद ही देख समझ सकते थे। हाँ जो आधे बचे हुए नहीं समझते उनको क्या छोड़ देना क्या रास्ते में, हरे सोनी छोड़ना क्या, नहीं कल आप नहीं आए थे, कल मैंने आपको याद करा था, क्यों पूछो। राइट हैंड साइड बड़ी थी, लेफ्ट हैंड साइड छोटी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाना था, मैंने पूछा। वो दिन एक आदमी दिख गया, उसका राइट हाथ छोटा था लेफ्ट बड़ा, मैंने उसको बोला सोनी है क्या, आई नहीं आप ऐसे ऐसे करते, लेडी क्लास ली थी। वाह क्या बात है, इसका बढ़िया है, लोग घर जाते रहते ये वापस आती है, ठीक। चलो समझे ना, तो दोनों फॉर्मूला इंटरसेक्शन की है, कौन सा यूज करेंगे विल डिपेंड ऑन, ठीक है। देखो अब इसको ध्यान याद रखने के लिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है यहां पे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हुआ होगा, तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड जो है ए नीचे होगा। अरे यहां पे अगर बी स्लैश ए है तभी तो ए नीचे आया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ क्या रहेगा, बी स्लैश ए,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ क्या रहेगा, ए स्लैश बी। समझा क्या? पक्का सर? कैसे सर, हमको कैसे समझेगा? देखो यहां पे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया ना, क्या क्यों नीचे बी आया? क्योंकि नीचे बी था, यहां नीचे ए था यहां पे, इसलिए यहां पे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया। तो जब भी आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बोल बेटा क्या लिखू, ए की बी, बोल ए लिखू की बी लिखू, तू बस बता ए लिखू की बी लिखू, बी। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया होगा, बराबर ना? तो क्यों? क्योंकि वहां नीचे होगा, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑकर्ड। इतना ही पूछ रहा था मैं तेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है सर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट, गॉट इट? छापो इसको, बहुत जरूरी है ये। ये ऐसा लिखो दोनों आसपास में ऊपर ऊपर, और नीचे नोट लिखो जो क्वेश्चंस में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्म्यूला लेंगे। तेरा होना कुछ रब की दुआ। इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट रहे ना, दोनों इवेंट एक मेक से कोई लेना देना है नहीं उनका, दोनों इवेंट्स का एक मेक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूं आपको, अरे क्या जबरदस्त चीज क्लिक हो गई, अगले बात से यही चलता मैं, अभी बता देता। हाँ, यूजुअली ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला फॉर्मूला यूज होता यूजुअली, बट ये भी हो सकता है अगर वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का दे रखा है तो, ठीक है? चलो आप सुनो ध्यान से, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया जोर के, ठीक है? क्यों जोर के मजा आया मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। यूनियन यूनियन, ये नॉर्मल सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी में जहां एक ही इवेंट है, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला इसको छोड़ दो, अभी इसको दिमाग में मत लाना, ठीक है? अब अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या हो गया, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई तालमेल नहीं है, कोई ताल तंबूरा मिलता नहीं उनका, एक अलग भाग रहा है दूसरा अलग भाग रहा है, बराबर? आपको मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पेज नंबर 15.8 खोल लेना अगर किसी को खोलना है तो, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। ये क्या है, ए एंड बी है, ए एंड बी है, और एंड रहा तो कौन सा यूज रूल यूज होता, मल्टीप्लीकेशन बचपने के अंदर। पिछले बार तक है ना मैं ऐसा पूरा वेन डायग्राम बना के समझाता था, या भी क्लिक हुआ ना ये मल्टीप्लाई कर दे सीधा, दोनों अलग अलग है, समझ लो। ए का प्रोबेबिलिटी है 1/6 और बी का प्रोबेबिलिटी है भैया 1/5, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी अपनी, ए और बी का कोई संबंध ही नहीं है,
क्या ये डिपेंडेंट इवेंट है एकमेक पे? नहीं, ए के होने से बी को कोई फर्क पड़ रहा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और बी के होने से ए को फर्क पड़ रहा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों के साथ में होने का कितना चांसेस है? और दोनों के अपने अपने चांसेस, ए का होने का 1/5, बी का होने का 1/6। तो ये हो जाएगा 1/5 × 1/6। ठीक है। अब सर नहीं समझा हमको, मैंने बोला रुको, ठीक है रुको, किसी के पास चिल्लर है क्या 1 रुपए? दे दो। दो इवेंट्स, इंडिपेंडेंट का मैंने आपको एग्जांपल क्या लिया था? कॉइन टॉस करने का, बराबर। एक और देना, दो देना, नहीं नहीं दो ही चाहिए दीदी, ये क्या दे रही, 3 दे दियो। हाँ ये 2 कॉइन्स है, ठीक है। अब दोनों कॉइन्स में टॉस कर रहा, देखो दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करने को भी 2 कॉइन्स टॉस करना बोलते, और एक कॉइन को एक बार करा, दूसरे बार करा तो भी 2 ही कॉइन टॉस करना बोलते, ठीक है ना। सेम चीज है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा या 3 कॉइन टॉस करे एक साथ में, सेम चीज है, ठीक है। अब पहला कॉइन मैं टॉस कर रहा हूं, ये 1 रुपए का कॉइन है, ठीक है, दोनों 1 के, बताना मत, ठीक है। इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये ए वाला कॉइन है, ये वाला कॉइन ए का है, ये कॉइन बी है, ठीक है। इसका और इसका क्या कोई संबंध है? इस पे हेड आया तो इस पे टेल आएगा, ऐसा होता क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब पहली बार मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों कॉइन्स पे हेड ही आए, यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, ठीक है। दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, 1/2, 1/4, हां कि ना? 1/2 × 1/2, 1/4, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। सर ऐसे थोड़ी होता कुछ भी, करके बताओ, ला के बताओ दोनों पे हेड। ये प्रोबेबिलिटी गेम है, ठीक है, ये मैं अभी इसको कर नहीं सकता कि भैया घुमाते रहो, बोले उछालते रहो जब तक दोनों पे हेड नहीं आता, पूरा लेक्चर खत्म हो सकता है और नहीं आ सकता। पहली बार में भी कर दू आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी सर कहां काम आता? हर जगह काम आता। आप क्रिकेट में देखते हो प्रोजेक्टेड स्कोर कितना है? प्रोबेबिलिटी से होता है। जो ऑनलाइन बेटिंग का गेम चल रहा है सबसे बड़ा, वो पूरा प्रोबेबिलिटी में चल रहा है। और जो आदमी, अच्छा आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट के भाव होते हैं, भाव समझते हैं आपको, इंडिया के जीतने के कितने चांसेस है, ठीक है। चांसेस वांसेस नहीं रहते, उसका भाव रहता है, जैसे भाव रहता है 90-52, समझ लो 62-62-62, ये पैसे में बात है, मतलब 60 पैसे इंडिया पे मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 60,000 रुपए। ये अगेंस्ट अलग अलग टीम रहती है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो अलग भाव है, इंडिया बांग्लादेश खेल रहा है तो अलग भाव है, ठीक है। तो सबके भाव अलग अलग होते हैं, मैं आपको भी वो सट्टे का मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आप जब फाइनल में आओगे तब आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका टैक्सेशन आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये भाव बनाने वाला, अरे ये भाव लगते हैं तो आते हैं तो कोई ना कोई तो लगाता होगा, कोई ना कोई ये भाव निकालता होगा ना। और आपको बता रहा हूं पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में एक ही भाव चलता है हर गेम का, फुटबॉल क्रिकेट कोई भी गेम हो जिसपे बेटिंग होती है, पूरे दुनिया में एक भाव रहता। अगर ऐसा ना रहे तो मैं हेजिंग कर लू। हेजिंग मतलब क्या होता है? मेरी अगर कोई रिस्क है तो उसको हेज कर लेना। ये भी आगे आप इंटर में एफएम में पढ़ोगे, अभी तुमको बहुत पढ़ना है, ठीक है, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भाव आ रहा है 60 पैसे, 60-62, मतलब क्या हो गया? 1 रुपया लगाऊंगा तो ये मेरे को 60 पैसे देंगे, 100 रुपए के 60 देंगे, ठीक है। इंडिया में लगा दिया मैंने, 60 रुपए आएंगे, जाने को कितने? प्लस कितना है? 60, माइनस कितना होना है? 100, ठीक है। ये मेरा पन्ना बने हुआ है, ये ऐसे हेजिंग में पन्ना बनता है, जो एकदम मैं हमेशा पूरी धंधे की बात यूज करता हूं लैंग्वेज, इसको बोलते पन्ना बनाना, ठीक है। अब इंग्लैंड में समझ लो 55-57 रेट है, 55-57,
तो मैं बोलूंगा ये 55 रेट रहता फेवरेबल और ये रहता अगेंस्ट वाला, ठीक है? जैसे और जाते हैं ना वैसे ही सेम, ये अगेंस्ट मतलब इंडिया नहीं जीतेगा, 1,000 रुपए मैंने उस पर रिवर्स कर लिया, टेक ले लिया 100 रुपए, सॉरी, तो यहां पे इंडिया में लगाया और गलती से इंडिया जीत गया तो 60 रुपए आएंगे, 100 जाएंगे। अब इंग्लैंड में मैं इंडिया के अगेंस्ट कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 57 जाएगा अगर इंडिया जीता तो, यहां -57 होगा, और इंडिया जीत गया, इंडिया हार गया तो +100 हो जाएगा, बराबर? ये -100, ये +100 जीरो, ये +60, -57 3 रुपए, 3 रुपए प्रॉफिट कमा लिया मैंने हेजिंग। हाँ देखो दीदी बोली क्या, बोली 3 रुपए के लिए 100 रुपए में 3 दिख रहा है, अगर मैं 10 करोड़ लगाऊं तो, 10 करोड़ लगाऊं तो 30 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे, 100 पे 3 ना, 3%, 100 पे 3 है, और ये 3 भी नहीं मिलता, अबे असंभव है। रेट रेट बदलता ही नहीं है, फर्क पड़ता है 1 पैसे का, और वो 1 पैसा तो बुकिंग का मार्जिन रहता है। तो ये अपनी मुद्दे की बात ये नहीं थी, ये आप फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है? ये हेजिंग कैसे होता है ये आप SFM में पढ़ोगे, ठीक है? और क्या बोल रहा था मैं यार तुमको, हाँ, अब जो आदमी रेट निकालता है, जैसे ये 60 पैसे इंडिया का रेट है, 60-62 या जो भी रेट है, ये कौन आदमी निकालता होगा, सोचो उसका मैथ्स क्या लेवल का होगा, वो सब चीजें देख के एनालिसिस करता है। ऐसा नहीं कि मन में आया रेट निकाल दिया, और ये रेट निकालने वाला आदमी मेरे को पता भी नहीं है देश के अंदर कौन है, दुनिया में कौन है, मेरे को नहीं पता, और अपन बहुत बड़े इंथो है इसके, समझ रहे हो? कोई तुमको उसको बताएगा भी नहीं, और वो आदमी ऐसे ही रहता होगा लुखे के जैसे, मतलब एकदम दिखाते ना पिक्चरों में कैसा एकदम सीक्रेट एजेंट रहते हैं, वैसे ही आदमी होगा। दाऊद वाऊद तो ऐसा पाव पे गिरता होगा उसके बहू, क्योंकि तुमने रेट नहीं निकाले, खत्म हो गया, समझ रहे हो? एक मैच में कितना पैसा लगता है तुमको पता है सट्टों का, और ये सारे अंडरवर्ल्ड में है, मतलब इसके कनेक्शन ही अंडरवर्ल्ड से शुरू होते हैं। चलो खैर आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों के दोनों में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वैसे भी 1/4 ही थी, वैसे 1/4 थी ना, हेड हेड है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो वैसे ही 1/4 थी, अपनी दो कॉइन्स टॉस करे तो 1/4 आई थी नॉर्मल सिंपल में भी, समझा क्या? पक्का? हाँ देखो ये हो गया, ये भी हो गया अपना। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ए इंटू बी का प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, ए इंटू बी इंटू सी का प्रोबेबिलिटी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, याद रखना इवेंट इंडिपेंडेंट होना, इवेंट क्या होना, इंडिपेंडेंट होना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया था अपना, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, बराबर है क्या? अब इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, निकालिए कितना आएगा, देखो ए की तो प्रोबेबिलिटी आपको सुनो, अच्छा एक चीज और समझो, एक और चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बराबर है, ठीक है ना? इसके अंदर कंडीशनल क्या चीज है, ये कंडीशनल है, ठीक है हाँ कि ना? और उसमें भी कंडीशनल में कंडीशन काई पे है, कंडीशन बी पे है, अरे बी पे है ना, सच दैट ए हैज ऑकर्ड, ए को कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही हो सकता है कुल्ले में, हाँ कि ना? अरे हो कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर कब, जब ए हुआ है, जब ए हुआ है, तो अब यहां पे ए बी सी का कैसे निकालू, देखो सर ए तो अपने आप हो जाता, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट कब, जब ए हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, बराबर क्या, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी कब, जब ए भी हुआ है एंड बी भी हुआ है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो अपने बुक के पेज नंबर काई पे है,
15.8 पे, तो ये ए एंड बी लिख दो या ए इंटरसेक्शन बी लिख दो। समझा लॉजिक? समझे क्या? देखो ए तो अपने आप ही है, अकेला ही है, खुले में घूम रहा है। बी कब होगा? जब ए होने के बाद में बी होगा, तो काम का है। ए हो ही नहीं रहा लक्ष्मी, ए हो ही नहीं रहा, चांद तारे तोड़े ही नहीं, किधर से लगना होगा? और लगना हुआ तो ही बच्चे होंगे। सी कब है? देखो सी, अरे मैं देखो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ दीदी, आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने ऐसा दिशा को बोला, दिशा मेरे को बोली, ठीक है? तो पहले चांद तारे तोड़े, वो ही था, फिर उसके बाद शादी, फिर बच्चा होगा ना। तो ये ए बी सी है, अब सी बताओ कब होगा? पहले सी कब होगा? जब मैं चांद तारे तोड़ूंगा, उसके बाद हमारी शादी होगी, तभी तो होगा ना बच्चा। ऐसा ही चाहूंगा, समझे मुन्ना? क्या एग्जाम्पल, देखो कैसा दिमाग में आ रहा, एकदम टाइम पे एकदम। हाँ बाबू, अश्लील बातें क्लास में ना करे मेरे, मैं बहुत कुटता बैठूंगा तुमको। ये सारे के सारे फॉर्मूले है, ठीक है? अब एक बार सारे फॉर्मूले, पूरा जो ज्ञान दिया मैंने आपको, सब एक जगह पे लिख के रखते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या बताई थी मैंने आपको? ये बात कर रहे हैं अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है? प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्स, ठीक है? सबसे पहले अपन ने बात करी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरी बात करी थी अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड की, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बराबर क्या यही था? हाँ, हो कि नहीं? फिर उसके बाद मैंने आपको अभी बताया सेकेंड चीज, ये वन का ही कुछ तो भी अलग है, ठीक है? सेकेंड चीज मैंने आपको बताई, अगर 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 ये डिपेंडेंट केस में है, ठीक है? डिपेंडेंट के ही लिए लिख दूं क्या चीजें? चलो ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, हाँ कि ना? तीसरा मैंने अभी आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए होने के बाद बी कब होगा? जब ए हुआ है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कब होगा? जब ए एंड बी हुआ है। बराबर क्या? ये हो गया कब? जब इवेंट्स डिपेंडेंट है, हाँ कि ना? जब इवेंट्स डिपेंडेंट है तब की बात करते हैं। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट रहे, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट रहे तो क्या होगा? पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बराबर यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बराबर तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। खत्म। तेरा होना है कुछ ऐसा जैसे मुझको, जैसे क्या है? रब की दुआ रे, ऐसा कुछ तो है ना? कौन बोला? गाना मत गाओ। कौन बोला रे? नालायक। पता लगा है? हो गया क्या? लिख लिए? लिखो। ये भी हो गया। भाई ये किचकिच मत कर, अभी बहुत सूद दूंगा पकड़ के। अभी पहले अभी मैं पहले बहुत
चार्ज डबू अब एकदम, मुझे ना रोको। हाँ ठीक है, ज्यादा गए। अरे भाई बस ये हो गया ना, इसके बाद सब चिल्ले तुम्हारा, फिर तुम सब छोड़ दो, मैं तुम मना भी नहीं करता। मैं भी वो ऐसे कर रही हूं, मामला कहा उधर आ भाई। चलो डन है भैया। मैं सबसे ज्यादा मैं ही चिल्ला के बात करता हूँ जोर के। कल क्या बोल रही तू, आप इतने जोर के बात करते सर। रोहन सर को आवाज बढ़ाने बोल दिया आपने, क्यों उनकी आवाज सुनाई देती है लेकिन वो अलग ही आती है, उनकी आवाज समझ नहीं आ रही। मतलब आदत हो गई है तुमको मेरी। अच्छा ज्यादा पास पकड़ते फील लेके पढ़ाते हो माइक का। सर मजाक कर रहा हूँ, बच्चों की बात तुम मत आना तुम। हाँ आदत होगी तुमको मेरी, मतलब देखो बरा 360 पिछले 300 साल से पढ़ी रहे मैथ्स, बोले खत्म ही नहीं हो रहा साला, ये कभी खत्म नहीं होता, आगे भी ये करना है तुमको। हाँ देख तो सही, धंधा शुरू तो कर, सबसे पहले जो चीज काम आती है वो है गणित। आपको कोई भी करना है तो बिजनेस ही काम आएगा, और क्या, ये मैथ्स ही काम आएगा, और हर चीज में काम आता रहे तो, नहीं तो तुमको सब्जी वाले चूना लगा देंगे। बोल हो गया ना भैया 20 प्लस 70 110, 10 रुपये और दो आप। ठीक है ये हो गया। अब मेरे को पर्सनली क्या लगता है, ये जो चीज है ना सिर्फ एक चीज काम की, ये वाली है इसमें, और दूसरी इंडिपेंडेंट है तो ये काम की है, सॉरी ये वाली ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी का। अब ये चीज को है ना बहुत हाईली रेट करा जाता है, मैं जब बात करूं एक्चुअल में, जब कॉमर्स फ्रैटर्निटी की बात करूं तो इसको बहुत ज्यादा हाईली रेट करा जाता है। ओ माय गॉड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओ माय गॉड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। बट अगर आप कॉमन सेंस लगाओ ना तो आपको इस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास नहीं है, चिंता मत करो मैं लाऊंगा आप में। ठीक है जिसने नीचे देखा क्या होगा, नहीं देखो अभी तुम ही बोलने लग गए हो, नया बोलू कुछ, इससे बहुत सारी नई नई चीजें मेरे पास है पर वो तुम नहीं झेल पाओगे ना, रिकॉर्ड होता है सब, ये आज ही खत्म करेंगे अपन, मैं भी सर को बोल देता हूँ। कल फिर तुमको याद नहीं रहेगा, बस यही तक करना है अपने, और कुछ नहीं, इतना ही करना है आपको। कहां से लेके 25 से लेके शुरू हो जाओ, रुको ही मत 36 तक, 36 तक, और उसके बाद मैं 5-6 क्वेश्चन मैं देता। ठीक है, रूपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। ठीक है क्या कह रहा है भैया, सुन लो क्वेश्चन, रुपेश कितने बार कर रहा है 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स। ठीक है 5 बार लगता है, 9 बार बंदूक गलाई चलाई तो गोली मारेगा, 9 बार लगेगी, 5 बार, 4 बार खाली आ रही है प्रोबेबिलिटी। ये रुपेश है, आर फॉर रुपेश, दूसरा डेविड है भैया और रुपेश है, रुपेश कितने बार 5 आउट ऑफ 9, फेवरेबल कितना है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश कितना है ऑफ हिटिंग द टारगेट 5/9, हाँ या ना, रुपेश की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9, डेविड की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11 डेविड का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई, प्रोबेबिलिटी बताओ कि भैया टारगेट पे लगेगा ही निशाना।
अरे दोनों में से एक ना एक मारेगा ही चना, हाँ कि ना? बताओ क्या निकालना है? झंडू बामो। देखो मेरे कुछ नहीं मालूम, और तुम ये मत बोलना कि अभी तो तुमने बढ़ाया है। ये देखो सर, मैं बताता हूँ, सुनो, पापी बच्चे क्या बोलेंगे? अभी आपने बढ़ाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बरोबर है? आओ, फिर राकेश का मारना और डेविड के मारना दोनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? हाँ पक्का ना सर? राकेश कितने बार मारेगा उससे डेविड का क्या लेना देना है? डेविड की अपनी स्किल, राकेश की अपनी स्किल, बरोबर भाई? कैसे हंस रहा है तू बार बार तब से? राकेश की अपनी स्किल, डेविड की अपनी स्किल, शूटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब आपको पूछा गया क्वेश्चन में, मेरे को ये बताओ, टारगेट वुड बी हिट वंस, मतलब भैया टारगेट, देखो एक मिनट सुनो, ये भाई मारता है कितने, 5/9, 5 बार, ये मारता है 6 में से 11 बार। अब यहां रखा है, इसको लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए, अब ये मारे कि ये मारे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इंटरसेक्शन बोलने वालों, कीड़े पड़ेंगे तुमको, तेल में तला जाएगा तुमको, दोनों को मारना है क्या, जोड़ा करना है इसके साथ? अरे यार एक को मारना है ना, लिखा है ना वहां पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई, दोनों ट्राई करेंगे तो लगना चाहिए, लगना चाहिए, यह टारगेट इसको चकनाचूर करना है अपने को, बताओ क्या करना है? तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, मार डालेंगे सबको, तो ये मारे क्या फर्क पड़ रहा है? तो आपने को निकालना तो ए यूनियन बी ही है, ठीक है? सर निकालते बोले प्रो, ए यूनियन बी क्या रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 6/11। ये कैसे निकालोंगे इसका सवाल है, क्या ये दोनों डिपेंडेंट है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, येस और नो? -5/9 इंटू 6/11 आंसर आ जाएगा, समझा गया? आज फिर जीने की तमन्ना है, किसको मरना है, किसको मरना है बे? हाँ ये जो भी आंसर आएगा तुम्हारे बुक में दे रखा है आंसर, ठीक है? देखो गरीबो, ये सारे क्वेश्चंस है ना मैंने सॉल्व करके बुक में दे रखे हैं, उसको भी छापने पे नहीं, समझने पे फोकस करो, समझ गया तो बुक में दिया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये इसको ऐसा क्यों करा ए इंटरसेक्शन बी को? क्योंकि सर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट है कि कहां लिखा है? राधिका, वेयर इज इट रिटन दैट दे आर इंडिपेंडेंट? टपली दे उसको, टपली दे, इंडिपेंडेंट पूछ रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों लिखा? अरे आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड, पर वो नहीं आ तो सकता है, पर वो निकालेंगे कहां से? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड कहां से लाना? ऊपर से है, समझा क्या? वो तब कब काम आके आते? जब क्वेश्चंस वैसे रहते, जब फिगर 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 दी भी है, सब में वैल्यूज 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 वैल्यू दी भी है, जब ये मारने मुरने की बातें हैं, डाइसो वाइसो की बातें हैं, तब वैसा काम नहीं आता, समझा? अब ए इंटरसेक्शन बी क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये समझा कहां से क्वेश्चन में? ये देख देख ये यहां पे लिखा है, ठीक है? आप पेन अपना मार रहे हो, इसको भी लक्ष्मी पेन मार रही है, तो आपका जो पेन इसको लगेगा उसकी संभावना है
5/9 है और उनके पेन की संभावना है 6/11 है। अब आप दोनों में कोई संबंध है उसमें क्या है, बोले उसका अलग है मेरा अलग है, बराबर ना, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है। दो अलग अलग लोग शूट कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग होगा ना, डिपेंडेंट नहीं है, समझा बेटा? वेरी गुड। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टूगेदर एंड द सम ऑफ पॉइंट्स ऑफ टू डाइस इज नोटेड टू बी 10। सम कितना है? 10। फास्ट हो रहा है क्या, किसी को भी फास्ट हो रहा है? छोटी साक्षी फास्ट हो रहा है क्या? उत्कर्ष मार डालता तेरे को। हर्षदा फास्ट हो रहा है? फास्ट नहीं हो रहा है ना, हो रहा है क्या? ऐसे ऐसे करते। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द टू डैश हैज शोन द पॉइंट 4। अच्छा, सम 10 है और पॉइंट कितना आना चाहिए? 4। बताओ। आज ना रोको दिल की उड़ान, दिल है चला। हाँ दे, कनपट्टा देता। हाँ वो मैं तो ये कौन था कुछ तो बोलने। सर ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको वैसा भी कर सकते, इसको ऐसा भी कर सकते। क्या बोल रहे हो? देखो सर कितना होना, पहले तो अपना नॉर्मल दिमाग लगाते। सम कितना है? 10 है, तो दो डाइस पे सम 10 कैसे आ सकता? एक के टेबल में नहीं आता। एक मिनट, मैं जब बोलता हूं ना एक के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब क्या है मालूम है क्या तुमको? हाँ, ये एक के टेबल में 10 हो ही नहीं सकता, बराबर। दो के टेबल में 10 हो सकता क्या? काई को नहीं। 2 और 8 हो सकता ना सर, 6 पे खत्म होता है। हाँ 3 का 6 पे खत्म होता है, कहां से होता 10? पागल हो गया, 3 के टेबल में भी नहीं आता। 10 आ सकता 4 के टेबल में, 4 6 10, ठीक है? तो हाँ बस समझ गया दीदी, समझ गया। तो मैं जब बोलता हूं ना एक का टेबल, अरे किधर गया बे? ये एक का टेबल मतलब ये, दो का टेबल मतलब ये, 3 का मतलब ये, समझे ना? मालूम पड़ा, मैं जो बोलता हूँ समझ में नहीं। अभी वैसे तो तुम इतने पुराने हो गए, तुम समझ जाते हो। तो 1 2 3 के टेबल में, 4 के टेबल में आएगा एक बार, क्या आएगा? 4.6, ये एक हो गया। दूसरा क्या आएगा? 5.5, और तीसरा क्या आएगा? 6.4। और कुछ अलग तरीका है सम 10 आने का? नहीं। तो ये 3 टोटल है, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, जो पिछले बार मैंने गड़बड़ कर दिया था। मैंने बोला सैंपल स्पेस तो 36 का रहेगा फॉर्म में आके, ठीक है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 3 है, अपने क्या चाहिए जिसमें 4 है? कहां दिख रहा है? एक जगह दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। तो फेवरेबल कितना हो गया अपना? 2, और टोटल कितना हो गया? 3। 2/3 आंसर आ गया गपाक्के से। अब अगर तुमको ये आता ऐसा, तुम्हारे दिमाग में लाइट लग गए और पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया, तो क्या तुम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी करोगे क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पक्का ना है कोई कीड़ा? ये ऐसा, ये लिख लो आप, क्योंकि ऐसा करेवा नहीं होगा। अच्छा ये ऐसे ही करेवा है? ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसे ही करके दे रखा है सॉल्यूशन में। देखो ऐसा करके दे रखा है सर, फिर उसको दूसरे तरीके से भी कराओ ना हमको। मैंने बोला ठीक है, आओ आओ। अरे झंडू बामो, तुम्हारे ही लिए बच्चों, मेरे लिए नहीं है, ठीक है? हाँ, ए क्या रहेगा? सम इज इक्वल टू 10, और बी क्या रहेगा? 0.4 दिखा, मतलब रहा 0.4 होना, 0.4 का होना, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। आपने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0.4 सच दैट सम इज 10, हाँ कि ना? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम कितना है? सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 केसेस है जिसमें सम 10 आएगा, तो इसका हो गया 3/36, हाँ कि ना?
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है क्या अपने को? तुमने पिछले बार सेम गलत करे थे, मैंने बोला था 1/3, तुमने लिख दिए थे 1/36, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत ही नहीं है अपने को, अपने को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि सर सम 10 होना एंड 0.4 भी होना, ऐसे दो ही नंबर है जिसमें सम 10 है और 0.4 है, कौन सा? 4.6 और 6.4, तो ये हो गया 2/36 अपॉन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/36, तो 2/36 इंटू, ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी से ऐसा आंसर आता, लिख लो। ठीक है, यस। अभी मैं एक फोन करता हूं रोहन सर को, उनको बोलता हूं तुम बताओ और अपन ये खत्म कर देते क्वेश्चंस, क्योंकि फिर कल वापस से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, और जिसको नहीं करना है घर पे चल जाओ, क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, मस्त रिकॉर्डेड कर लेना, कोई आपत्ति नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू। तुमको खाना वाना ठूसना है, नाश्ता करना है, कितने देर लगेंगे तुमको नाश्ता करने को ये बताओ। ये देखो दीदी, 20 एक खड़ी हो तू, एक मिनट देखो रे इसको, हवा ये कहीं थोड़ी ऊपर पहाड़ी में चले गई ना, अगले बार ये सिंहगढ़ वगैरह जाएंगी ना तो इसको पकड़ के रखना, क्योंकि हवा ववा आई ना तो ये उड़ के जा सकती। तो आप कहीं कान वान का पहनते हो ना, मतलब कान वान का पहना करो झुमके उमके, क्या थोड़ा वेट रहेगा ना झुमको का, तो उस वेट से आप उड़ोगे नहीं हवा में। यार पतले से लोग बोल रहे 20 मिनट लगता नाश्ता करने, मेरे जैसा आदमी 15 मिनट ले लो। ठीक है, ये अपन अभी 11:20 हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं अभी फिर मतलब ऐसा कुछ भी थोड़ी होता है, एक लेक्चर के बाद टाइम देना है, दिमाग भी तो एक चीज है, तुम्हारे पेट का ही सोचते हो तुम सालो, मैं तुम्हारे दिमाग का सोचता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये अभी रिकॉर्डेड वालों का तो खत्म करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को भी यही गुजारिश है कि ये सेशन इसके ही अभी देख लो, इसके बाद वाला सेशन अभी कंटिन्यूएशन में देख लो आप। ठीक है, आप भी नाश्ता वास्ता कर लो,